पाटन में विवाद के बीच राजूपाल देसाई को आज मैंडेट मिला है उम्मीदवार के तौर पर, ये तय हो गए हैं पाटन की सीट पर। क्या कहेंगे आज विवाद के बीच में, आप पाटन विधानसभा में आपका नाम तय हुआ? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और मुझे ये लगता है कि सभी कार्यकर्ता का अधिकार है कि अपने मत क्षेत्र में वो प्रतिनिधित्व करने के लिए वो एप्लीकेशन कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विचारधारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो विचारधारा को लेके मोदी सर का जो ये विज़न है, तो एक महिला और ज्ञाति बेस पे जिस समाज की महिला, और यहाँ ज़्यादातर एजुकेटेड हब है, ये पाटन जो है वो एजुकेटेड हब है, तो एक एजुकेटेड महिला को कैसे यहाँ इस विस्तार में प्रजा के बीच उतारा जाए, तो ये विश्वास के साथ जो ये निर्णय हुआ था हमारे शीर्ष नेतृत्व का भाजपा का, तो स्वाभाविक तौर पे एक ये प्रश्न जो है आम रहेगा कि कहीं ना कहीं तो पुरुष प्रधान मानसिकता जो है हमारे रूरल एरियाज़ में भी है, तो एक्सेप्टेंस के लिए एक वो थोड़ा रहता है। नेतृत्व करने का एक मौका नरेंद्र मोदी, सबसे अहम बात ये है कि मोदी सर का ये विज़न है कि मेरे देश की महिला ना अपने घर को संभाले, लेकिन वो देश की कमान संभालने के लिए काबिल है, उसको हक देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, और समग्र देश की महिला इस बात से बहुत खुश है। आज ये विस्तार से आनंदीबेन पटेल जो है तैयार होके आज देश की राष्ट्र की सेवा के लिए श्रेष्ठ नेतृत्व वहाँ और प्रशासनिक सेवा में भी आज यूपी में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच जो है भारतीय जनता पार्टी की है, और हम वंदन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे पार्टी के प्रमुख को कि इस सोच और इस विचारधारा में मक्कम रह के उन्होंने एक महिला, एक नारी शक्ति जो बक्सीपंच समाज से है, एजुकेटेड है, तो उनको प्रजा के बीच ला के सेवा करने का मौका दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व से मेंबर भी रह चुकी है, किस तरह से देखते हैं आने वाले चुनाव के बाद महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि सभी फील्ड, एवरी फील्ड में विमेन एम्पावरमेंट नॉट ओनली वर्ड्स के रूप है, लेकिन प्रैक्टिकली विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन जो है वो होगी, और ये एक्सेप्टेंस जो है वो प्रजा की, जनता को और सारे हमारी महिला जगत के लिए एक खुशी का माहौल है, और आगामी चुनाव के बाद सभी क्षेत्र में महिला ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, अपना एजुकेशन के साथ इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, और विमेन जो है वो अपने हेल्थ को लेके भी ज़्यादातर देखा गया है कि रूरल एरियाज़ में अपने हेल्थ के इश्यूज़ पे विमेन ज़्यादातर सीरियस नहीं हो रही है, हालांकि काफ़ी सारी योजनाएँ हैं जो वुमेन की हेल्थ के लिए हमारी सरकार, डबल इंजन सरकार यहाँ कर रही है, तो आने वाले दिनों में गांव की महिला टोटल, हम एम्पावरमेंट की फुल डेफिनेशन एक गांव की महिला में तभी सही ठहरेगी जब महिला खुद जाकर पढ़ाई करेगी, महिला खुद जाकर अपना HBQ मेरा कम हो गया है तो उसकी वो जांच करवाएगी, और अपनी सिक्योरिटी के लिए सोशल मीडिया पे मुझे क्या करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के लोग लेके वो सोचने लगेगी, वो कंप्लेन करने लगेगी, तभी जाके मुझे खुशी होगी कि रियल एम्पावरमेंट अभी हमारे देश में हो रहा है। ठीक है, पाटन के जो विधायक हैं किरीट भाई पटेल, एक्टिव धारा सभ्य के तौर पे जाने जाते हैं, लोगों में बहुत प्रचलित है, किस तरह से प्रतिद्वंदी के तौर पे आप लड़ाई करेंगे? प्रजा को मैं भी ये विश्वास दिलाऊंगी कि एक महिला जैसे एक माँ का हृदय अपने बच्चों की देखभाल करना वो अपना अधिकार वो देखती है, ऐसे ही मैं मेरे विस्तार की प्रजा का जो है कोई भी समस्या है उसको सुनूंगी, उसका सॉल्यूशन लाऊंगी, उसके बीच रहूंगी, और यहाँ ही मेरा पूरा क्षेत्र रहेगा, ये विश्वास के साथ मैं प्रजा का विश्वास जीतूंगी, ये मुझे मक्कम विश्वास है। बिल्कुल, गुजरात तक से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे राजूलबेन देसाई, जिन्होंने महिला की बात को लेकर पाटन में चुनावी प्रचार पर निकले हैं। कैमरा पर्सन परेश राठौड़ के साथ विपिन प्रजापति, गुजरात तक पाटन।